शना हो शना। गाती है हो शना, गाती है हो शना, हाथों में है डालियां, गाते हैं हम सना। बच्चे पे सवार होके आया है, हाथों में निशानात दीवार डाया है। सुल्हा का शहजादा उसे सब ही बुलाते हैं, सुल्हा का शहजादा उसे बताते हैं उस दिन की याद बना सकें और एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर बापा आसमानी तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को होशाना कह सकें, मुबारक कह सकें। एक आदम की आसमानी बात इस जुलूस में तो हमारे साथ हो, हम दो सिताश में साथ हो, कलाम मुकद्दस को जब तिलावत किया जाता है सीखा जाता है तो उसमें भी तो हमारी बड़ी रहन भाई कर मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से। जाते हैं साबर हम उसकी राहें सजाते हैं। होशना होशना होशना, गाते हैं होशना, गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां।
Yeah.
मसीह के नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, आईसीएम के सारी के साथ अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम से अच्छी मशीर खुदाई कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे तो हर वक्त हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहता है। तो आसमान पर तख्त नशीन है और जमीन पर रहने वाले लोगों पर निगाह करता है। ऐ बाप आसमानी तेरे पाक कलाम के अंदर लिखा है क्या ही भला है कि भाई बहन मिलकर रहे। ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए कि खुदावंद हम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए निकले हैं। ऐ खुदावंद जैसे तूने यरूशलेम के अंदर शहाना दाखला किया तो बहुत से लोगों ने बहुत से भीड़ ने तेरा इस्तकबाल किया, अपनी छतरे अपने दुपट्टे तेरी राहों में बिछा दिए, अपनी ढालियां तेरी राहों में बिछा दी और लोगों ने शोर शोर से पुकार कर कहना शुरू कर दिया होशना होशना इब्ने दाऊद को शना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। हम आप उस वंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज का कलाम हम सबों के लिए बस से बरकत हो और इस पाक कलाम के वसीला से हम जिंदगी पाए मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। मेरे जो खूबसूरत जो हवाला तिलावत किया गया मुकद्दस ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसका नौवां बाब और नौवीं आयत में मेरे जो ये मरकूम है क्या बिनते सियोन तू नहायत शाद महान हो और आज दुत्र यरूशलेम खूब ललकार क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है वो शादी कर निजात उसके हाथ में है वालीम और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। मेरे से मुकद्दस ज़िक्रिया नबी इस बात का हमारे सामने ऐलान करता है फ्यूचर के बादशाह का और मुझे यहाँ पर वो फरमाता है कि जो बादशाह है उसकी जिंदगी के अंदर चार बड़ी खूबियों का वो जिक्र करता है। पहली बात वो फरमाता है कि वो सादिक है और याद रखे कि सादिक का मतलब है सच्चा ईमानदार रास्तबाज आदिल और मुंसिफ बादशाह की वो बात करता है और मिर्जे वो फिर फरमाता है कि निजात इसके हाथ में है। निजात का मतलब है छुटकारा देना आजाद करना रहाई देना मखलसी देना। इस बादशाह की बात कर रहा है जिसके पास हर गुनाह का इलाज है और हर बीमारी से वो निजात अता करेगा और तीसरी बात वो कहता हलीम है यानी आजसी इंतसारी फरोतनी कवो और सुना का बादशाह है और मुझे आखिरी बात वो कहता है कि गधे पर सवार होगा। मेरे से आप सब जानते हैं कि जितने भी बादशाह हमें नजर आते हैं वो घोड़े पर रथों पर बैठना पसंद करते हैं लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने वो सुना का अमन का सलामती का बादशाह है वो गधे पर सवार हुआ क्योंकि घोड़ा और रथ जंगजू जानवर हैं और ये जंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह अमन का बादशाह है। तभी जरूरत इस बात की है
कौन भी अमन पसंद लोग हैं, आजिज लोग हैं, इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सब मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे, मैं कहूंगा इब्ने दाऊद को, आप सब ने कहना होशना, इब्ने दाऊद को, इब्ने दाऊद को, आने वाला पर मेरे जरिए हम सब दुआ मांगे। खुदा पा खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि यीशु जी तूने इस दुरुस के वसीला से अपने नाम को इज्जत और जलाल दिया है। खुदा पा खुदा अभी जब हम चर्च में दोबारा जाते हैं तो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे मसीह हमारे खुदा के वसीला से, आमीन। से पेश तो हम वापिस जाए खुदा के कदम भाई काशिफ हार डालना चाहते हैं। मैं चंद लोगों को दावत दूंगा कि वे सामने तशरीफ ले आए ताकि वे जल्दी जल्दी हार डालेंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा चर्च में जाएंगे और इबादत करेंगे। मेरे मैं दावत दूंगा हमारे साथ भाई हम खिदमत हैं भाई सादत जान वाइंगर उनके गले में हार पहनाएंगे, जोरदार क्लैपिंग करेंगे, भाई हदायत उनके गले में हार डालेंगे, जोरदार क्लैपिंग करें। इसके साथ ही हमारी संडे स्कूल की खिदमत है भाई शहजाद असलम को मैं दावत दूंगा कि वो सामने आ जाए, जोरदार क्लैपिंग करें। बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। इसके बाद भाई इमरान प्रवेश को दावत दूंगा जो मेरे साथ खिदमत करते हैं, जोरदार क्लैपिंग करें। भाई शिजेब हार डालेंगे। इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारी क्वायर के लीडर भाई इमरान रफीक को के सामने तशरीफ ले आए, जोरदार क्लैपिंग करें। हमारे संडे स्कूल को लीड करते हैं बिशारत सामने तशरीफ ले आए, जोरदार क्लैपिंग करें। जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इसके बाद हमारी बस्ती के जो चेयरमैन थे मंशा भगत साहब उनके सामने आते बिन्यामीन को दावत दूंगा कि वे सामने तशरीफ ले आए, जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम। हमारी चर्च कमेटी के मेंबर हैं भाई वकास शरीफ उनको दावत दूंगा कि सामने तशरीफ ले आए, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। हमारे चर्च के खजानची हैं भाई पत्रस असलम वो सामने तशरीफ ले आए, जोरदार क्लैपिंग करें। और मैं सिक्योरिटी के लिए भाई प्रवेश मेजर को दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ ले आए, जोरदार क्लैपिंग करें। भाई अनीफ अनीफ साहब के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद भाई पत्रस असलम को हार डालेंगे, भाई प्रवेश मेजर तशरीफ ले आए। भाई फियाज सिक्योरिटी में खिदमत करते हैं आ जाए, भाई फियाज मन्ना हमारे साथ पांच ब्लॉक से भाई शौकत हैं, शौकत बशीर सामने तशरीफ ले आए, जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम इनके लिए। भाई शौकत और भाई प्रवेश में उधर आ जाए, इनकी खिदमत सबसे बड़ी है, सिक्योरिटी देना बहुत मुश्किल है। और भाई जॉनसन हनीफ भी आ जाए, जोरदार क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। भाई बनान शरीफ भी आ जाए, जोरदार क्लैपिंग करें। वे सारे भाई चर्च में सिक्योरिटी की खिदमत को सर अंजाम देते हैं। भाई अदनान शरीफ, इसके बाद खुदा के खादम भाई अदील भी हमारे साथ हैं, जोरदार क्लैपिंग करेंगे, इनके गले में भी हार पहनाएंगे, जोरदार क्लैपिंग करें। भाई अदील के लिए जोरदार तालियां, खुदा ने इनको बहुत अच्छी खिदमत दी है।
भाई महकल आर एफ बी आदे क्वायर में वो खिदमत करते हैं, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और खुदा के खादम भाई सुनील आजाद भी सामने तशरीफ ले आए, जोरदार क्लैपिंग करें। भाई महकल मुश्ताक और भाई वंदनी सुनील आजाद, हमारे भाई है अर्शद भट्टी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, ये भी हमारे चर्च में, ये हमारे मरियम कॉलोनी के काउंसलर हैं, इनके लिए अभी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। जोरदार इन सब के लिए क्लैपिंग करेंगे हम। भाई काशिफ के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आपकी माला रह गई पशु नवीद के लिए जोरदार तालियां। पशु नवीद की खिदमत एक आला दर्जे की खिदमत है, इनके लिए जोरदार तालियां। इनके खानदान के लिए इन्होंने नहायत दिन रात खिदमत में अपने आप को हाजिर रखा है, मैं इनसे मुस्तासिर हूँ बहुत ज्यादा। पास्टर नवीद के लिए जोरदार तालियां। तो पास्टर नवीद के लिए बहुत खूबसूरत हम माला लेकर आए, ये माला नहीं है, हमारी मोहब्बत है जो पास्टर नवीद के लिए है। हमारे जुलूस की जो कवरिंग है, तारिक शाकर साहब जो टीपीसी चैनल के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं अगर किसी ने भी कोई इबादत की रिकॉर्डिंग करवानी हो या कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाना हो तो आप भाई तारिक का तुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिर्जवाइए सीमान के साथ हम सब अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे। कादर मतली करसली खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा भाई काशिफ के लिए, इनके खानदान के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहते हैं और दुआ गो है कि अपनी खास पनाह रख और खुदा पाक खुदा सारे जुलूस पर तेरी बरकत चाहते। गुड फ्राइडे की इबादत में, ईस्टर की इबादत में हमारे साथ हो, मसीह हमारे कुरान के वसीला से, आमीन। हम दरमियान में से रास्ता छोड़ेंगे ताकि खुदा जिन लोगों को हमने कहा वो सारे साथ जाएंगे। आदा
बात है ये चैनल पर चलेगा तो मेरे से हम तरतीब ठीक करेंगे। जो रेड कार्पेट है से जो वाहिद है वो भी बड़ी तरतीब के साथ बैठे हैं। तारक शाकर जो पीबीसी चैनल के चेयरमैन हैं, जब कभी वो हदिये के लिए आते हैं तो आप जरूर इनको हदिया दिया करें ताकि कलाम की जो खुशखबरी है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और पर हम सब अपने आप के बंद करो दुआ मांगे कादर मंत्री को रसनी खुदा दर भर के कार्य को मालिक अंतरा शुक्र अदा करते हैं। कुरान पाक खुदा तो हम सबको आज की वर्षिप के श्री कलाम के वसीला से रूहानी और जिस्मानी बरकत अता करना और जितने लोग तेरे हुजूर में आए हैं इन सब के साथ दुआएं पर तेरी बरकत हो यीशु के नाम में आमीन।
करते हैं। अपने हाथों को नारायण से खुदा के हजूर हम गीत गा रहे हैं होशना होशना इब्न दाऊद को होशना। भाई तो लिखता है हमने सुना भी है पढ़ा भी है। उसका शुक्र करोगे जिन्हें बहुत सारे प्यार से जिंदा भी रखा है तंदुरुस्ती भी बख्शी है बहुत सारे प्यार से सेहत और तंदुरुस्ती से बाप नवाजा हुआ है। इस अच्छे प्यार के लिए इस अच्छे दिल के लिए बड़ा शुक्र करोगे इस अच्छी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बहुत सारा प्यार किया है यीशु नासरी तुमने आज का दिन हमें सबको दिखाया है इस अच्छे प्यार के लिए शुक्र करते हैं। बहुत सारा प्यार किया कोई बादशाह ऐसा नहीं तो ऐसा बादशाह है बेशक गधे पर सवार होके अपनी बादशाह दिखाई है हलीम होके दिखाया है। इतना कोई हलीम नहीं इतना कोई फरोतर नहीं हम तेरा शुक्र करते हैं कि बहुत सारे प्यार से हमारे लिए अपना फिदिया दिया है फिदिया दिया है बेशक जिस वक्त फिदिया दिया है शरीर के ऊपर माफ किया है ऐसा माफ किया है बेशक पूरे जहान को जो कोई मान लेंगे हलाक नहीं होंगे जिंदगी कसरत दी हमेशा दी जिंदगी पाएंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं सलीम के ऊपर जिस वक्त सबको कहा बाप इनको माफ कर दे ये नहीं जानते इस अच्छे प्यार के लिए समान तो लिखा है अंधेरा छा गया बिजलियां कड़क गईया बिजलियां कट दिया चट्टानों तिड़ गईया कबरों के मुंह खुल गए इस अच्छे प्यार के लिए शुक्र करते हैं। कोई ऐसा नहीं कोई ऐसा नहीं लिखे पंजा शेर कुछ बोल गई गई लिखे पागलम जो तेरे यीशु मसीह बदल पर पागलम दता है तीस से दिन मुर्दियों में जी के बाप दिखा दिया चालीस दिन दिखाई देता रहा से शुक्र करते हैं अपने रसूलों को रूल कुदर से रूह से मंगूर करता रहा बेशक जेड़े तेरे चाहने वाले सन तेरा दीदार करते रहे पलूस रसूल करता है 500 से ज्यादा लोगों को तूने दिखाई दी फिर आखिर ते लिखा पाकरा उसने कहा मुझ गुणे गौर के ऊपर अपना चेहरा चढ़वा कर दिखाया इस अच्छे प्यार के लिए बड़ा शुक्र करते हैं। कौन ऐसा है बेशक अपने खादमों को पूर्व से पश्चिम तक को अपना कलाम सुनाने के लिए तकवीये देता है अकल देता है रूह की ममूरी बख्शा है हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बेटे नवीद को तेरी सुबह करते हैं तो जैसे बाप रफा प्यार करके इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा बाप रफा ऐसे तरह ये तेरी सारी मोहब्बत के लिए शुक्र करते हैं जो तू बात खाना हमें सबको ये बख्शा हुआ है जिसमें खुले दिल सुतैश तरीफ बेटियां बेटे कर रहे हैं ये तेनों पसंदीदा है लिखा जो सुतैश होती है तेरा दख्त लग जाता है तेरी सारी मोहब्बत के लिए शुक्र करते हैं। जमीन नरम और नीम आप हो जाती है जो तेनों कबूल करते हैं बेशक तुम के नाम किताबे याद में लिख लेता है इस अच्छे प्यार के लिए शुक्र करते हैं। जो तौबा करते हैं बेटियां बेटे उनको कबूल कर लेता है इस अच्छे प्यार के लिए बड़ा शुक्र करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक सारे दिखाई देते हैं जिस वक्त तेरा आना हुआ तेरे फरिश्ते के पगाम से समान से आई है हम तेरा शुक्र करते हैं। बहुत सारा प्यार हुआ आज से लिखा समान पर कोई ऐसा नहीं नबी कोई ऐसा नहीं नबी कोई ऐसा अंबिया नहीं आज से लिखा पात्र राम से समान पर क्या जिस वक्त पत्नी ने सुना लिया लिखा समान को फरिश्ते आए उन्होंने तसली दी अकलीली मर्दो अकलीली लोगो क्या देख रहे हो पगाम लिखा पगाम आ गया कैसा पगाम आया जिस वक्त उसने कहा जिस तरह तुह जाते देखे आस्ते आस्ते इसे तरह वापस आएगा
नहीं तो शायद हम हूं तक देखते रहते, समान से झादियां पाते रहते, रात को दिन बेशक देखते रहते। खुदा खुदा तेरी तसली मिली, तेरा सबूत मिला कि तू आएगा। अगला में लिखा है जब तू आएगा तो सब जलाली फरिश्ते पूर्व से पश्चिम तक दुनिया बनाई जाएगी। लिखा सब जलाली फरिश्ते तेरे नाल आएंगे, जेड़े तेरे लोग सज्जत खड़े किते जानते। लिखा पाकराम जी उनको वो मराज आएगा जड़ी बनाए आलम से त्याग की है तेरे बाप ने। हम तेरा शुक्र करते हैं इन सब बेटियों को, सब बेटियों को जिनको बड़ी तफीक बख्शी है, वो अपनी समझ बख्शी है, उस प्यार के लिए बड़ा शुक्र करते हैं। बहुत सारा प्यार किया है हमें तो बाप रफाए बड़े बेबे बाप रफा, जो कुछ इज्जत बख्शी है, जो कुछ बेटियां बेटे बख्शे हैं, पोतियां पोते दोतियां दोते बख्शे हैं, बड़े प्यार के लिए वो भी तेरी सुबत करता हूँ। ये हाजर जमात को तेरी सुबत करता हूँ, तेरे खातून को फिर तेरी सुबत करता हूँ, जो कुछ मंगे तेरे बेटे यसू मसीह के वसीले से। आमीन आमीन। खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिक्रिया नबी का सहीफा उसका नौ बाब 9-12 आयत, खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ बिनते सय्यून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है, और मैं फाइन से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा, और चंगी कुमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा, और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाई जमीन तक होगी। और तेरी बाबत यूं है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। मैं आज बताता हूँ कि तुझको दो चंद अजर दूंगा, ऐ उम्मीदवार असीरों किला में वापस आओ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा के जिंदा काम के दूसरी दावत सुनेंगे हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील कदस मत्ती रसूल की बात पर 21 बाब पहली आयत से हम सब अंजील कदस की तहसीन के लिए खड़े होंगे। हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील कदस मत्ती रसूल की बात पर उसका 21 बाब पहली आयत से सब मिलकर कहें कि आए खुदावंद तेरा जलाल हो। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत-फगे के पास आए तो यीशु ने अपने शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते कदी बंदी उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदा को इनकी जरूरत है, उनके अनुसार उन्हें भेज देगा। ये सेवा जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, तो सियोन की बेटी से कहो तो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वाली और गधे पर सवार बल्कि आदू के बच्चे पर। और शागिर्दों ने जाकर जैसे यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले को उन पर बैठ गया। रीटे अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और उन्हें दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, भीड़ तो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है, आने वाला पर होशना। जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई,
लोग कहने लगे ये कौन है। भीम के लोगों ने कहा इगली तिनासर तनबी यीशु है आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आई मसीह ने तमजी दो जमाई तशीफ रखे भेजो। इस वक्त हम सब दवाइयां रूम में कोर्स जाएंगे। कोर्स की दो आयात तेरे कलाम दिया गल्ला सच जान पा दें दिया ने भेजो। इसी के कुरान हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप सबको मेरी तरफ से हमारी क्वायर की जानब से और चर्च और इंतजामिया और कमेटी की जानब से पांच सडे मुबारक हो। मेरे आज शाम हम खुदा के सिता कलाम में से जो हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील मुकदस मंदिर सुन की मार्ग पर उसका 21 बाब पहली आयत से तलावत की गई इस बार गौर करेंगे। खुदा यीशु मसीह का यरूशलेम में अवानिया तौर पर दाखिल होना इस खास वाक्य को मुकदस मंदिर सूर मुकदस मरकस और लूका तबीब और यूहन्ना रसूल यानी चारों अंजील नबीस के खूबसूरत वाक्य को अंजील मुकदस के अंदर कलम बंद करते हैं और जो यहां पर लिखा है और जब यीशु यरूशलेम के नजदीक पहुंचे तो सदोम के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु मसीह ने दस गिल्दों को यह हुक्म सादर फरमाया कि सामने के गांव में जाओ वहां पर एक गधी के साथ एक बच्चा बांधा है उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदा को इसकी जरूरत है और भी जो लिखा वो फिर फार उसे ले आए और भी जो ये कलाम फरमाता है तो जो नबी की मार पर कहा गया तो वो पूरा हो कि सियोन की बेटी से कहो
कि देख तेरा बादशाह तेरे पास साधा है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो अलीम और कदर पर सवार बन के नादुक के बन से पार पश गिरतों ने जाकर जैसा हुक्म यीशु ने दिया था वैसा ही किया, और गदी और बच्चे को लाकर कपड़े उन पर डाले और औरों में दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। खुदा उनके पाक राम के परिदान को उसकी खास बरकत हो। मेरे सिर्फ दो बातों पर गौर करेंगे, एक तो उन्होंने राह में कपड़े बिछाए और डालियां ली, और दूसरा भीड़ जो आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती पुकार पुकार कर कहती इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, आर में बाला पार होशना। जो कपड़े बिछाने थे रास्ते में और दरख्तों की डालियां बनानी, ये खुदावंदी यीशु मसीह की तहसीन है, खुदावंदी यीशु मसीह की इज्जत में अहतराम में उसके वेलकम में खुशामदीद कहने में तमाम लोगों ने कपड़े रास्ते में बिछाए। और मैं तो याद रखे जो खजूर की डालियां हैं ये फतह का निशान है, और जो तो खूबसूरत नारे लगाए गए कि इब्ने दाऊद को होशना, मैं जो याद रखे कि होशना का मतलब है हमें निजात दे, हमें बचा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु, आए रबी, आए आका, आए मसीहा, हम सब पर क्या कर रहम कर और हम सब को निजात दे, हम सबको रहाई दे, हम सबको छुटकारा अता फरमा और हम सबको बचा। और जो खुदा का कलाम फरमाता है कि ये जो खूबसूरत नारा भीड़ लगाती, मेरे तो याद रखे ये 5,000 का मजमा है और 3 किस्म के लोग इसमें शामिल हैं। मेरे जो फरीसी जो शराब के आलम थे, आम लोग और मिजुफकी, ये तीनों लोग वहां पर शामिल थे, और मेरी जो भीड़ ने जो नारा लगाया क्या ये मसीहा आए यीशु आए इब्ने दाऊद, तो हम सबको क्या कर बचा। और मैं इस बात पर गौर कर ले, अगर आज हम मुसीबत के अंदर हो, बीमारी में मुबतला हो, रूह की कैद में हो, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी शख्स आए और हमें क्या करे निजात दा करे। और भी जो इस बात पर गौर कर सकते हैं कि मकद्दस सिकरिया उस बादशाह की बात करता है कि वो शादी का निजात उसके हाथ में है, यानी कि मेरे जो वही बादशाह गुनाहों से बदरूहों से और बीमारियों से क्या करेगा निजात देगा। इसीलिए मेरे जो वो नारा लगाते हैं मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, आने वाला पार होशना। मेरे जो आज शाम हम सबको जरूरत है कि पाप संडे के मौका पर हम सब भी अपनी जिंदगी पर गौर करें और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा और बादशाह तस्लीम करें और इस बात का ऐलान करें कि मैं जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो आज भी कुदरत रखता है कि हमें गुनाहों से निजात अता करे। और मिस्र लिखा जैसे यरूशलेम में यीशु दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है, और लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु नासरी है। और मिस्र वहां पर सब ने खुदा यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम किया
और इसके पीछे चलने लगे। मिर्ज़ो आज शाम मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब भी खुदा से बरकत हासिल करना चाहते हैं तो आज आप सब के पास मौका है कि हर खता से गुनाह से मुआफ़ी मांगकर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि जब वक्त आए तो हम उसकी बादशाही में शरीक हो सकें। मेरे जवाइये सीमान के साथ हम सब अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे अपने अपने जिंदगी में यीशु को निजात दहिंदा कबूल करें। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा पाक, खुदा इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में अता फरमाया। रात के खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ को है कि जितने लोगों ने कलाम को सुना इन सबको बड़ी बरकत दे मसीह हमारे खुदा के वसीला से, आमीन। फिर जो इससे पेशतर कि हम दुआएं पानी और बरकत के कमरे से रुखसत हों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 4 अप्रैल की शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक संडे स्कूल का हमारे चर्च में प्रोग्राम है। जो दुआ मांगे अपने हाथों को बुलंद करें। आइए, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें सिफारिश मेरा नाम राय से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और कृपा की शाकत हम सब के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, आज जमात के साथ रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से, आमीन।